फ्रेंड्स, मित्तल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आलू की टिक्की बनाएंगे। आप सभी घर में आलू की टिक्की बनाते होंगे, लेकिन कई बार आपकी टिक्की बहुत सॉफ्ट बन जाती होगी, बिल्कुल करारी नहीं होती होगी। तो आपको कैसे बाजार जैसी परफेक्ट आलू की टिक्की बनानी है, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत आसानी से बताने वाली हूँ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट से आलू की टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं और ये फ्रिज के ठंडे आलू हैं। आपको अगर हलवाई जैसी क्रिस्पी टिक्की बनानी है तो उसके लिए आपको ऐसे ही आलू का यूज करना है जो बहुत ठंडे हो। तो ये मैंने 4-5 घंटे पहले उबाले, उबाल के थोड़ा ठंडे होने के बाद इन्हें फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से और ठंडे हो जाए। तो ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में ग्रेट कर लेंगे। आलू को आप मैश ना करें, इस तरीके से ग्रेट करें। ग्रेट करके जब हम टिक्की बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पीनेस आती है टिक्की में। टिक्की खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से ग्रेट कर लें। तो आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप और तीखा पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अदरक डालेंगे इसमें 1 चम्मच, ग्रेट की हुई 1 चम्मच अदरक डालेंगे। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पत्ता 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है टिक्की को। और अब यहाँ पे हम बहुत ही सीक्रेट चीज डालने वाले हैं जो कि हमारी टिक्की को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो वो है चावल का आटा। इसे बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस आता है टिक्की में, तो इसे डालना बिल्कुल भी ना भूलें। 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है और यहाँ मैंने ये अरारोट लिया है, ये 3 बड़े चम्मच अरारोट है। तो ये हम इसमें डाल देंगे, इससे हमारी टिक्की बहुत क्रिस्पी बनती है। जो मार्केट में आप टिक्की खाते हैं तो वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं, अरारोट डालकर ही टिक्की बनाते हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो तो दोनों डाल के बनाएं, उससे बहुत ही बढ़िया टिक्की बनती है। और अगर आपके पास अरारोट ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर में आप 1 बड़े चम्मच मात्रा बढ़ा लीजिएगा अगर आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। तो अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये एक डो की तरीके से बन चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा डो बन गया है इससे। तो आप जब भी मिक्स करें इन सब चीजों को तो एक बार चेक कर लें कि आपका डो इसी तरीके का बनना चाहिए, नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, एक साथ ज़्यादा ना डाल दें। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड डो बन जाएगा तो टिक्की बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी आपकी, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ 4 बड़े साइज़ के आलू में जो क्वांटिटी हमने ली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उससे बिल्कुल सही टिक्की बनेगी। तो आप इस क्वांटिटी को फॉलो करके टिक्की बनाइए। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम आलू की टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, अब मैं हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लूंगी ताकि जो हमारा डो है वो हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो ऑयल से मैंने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जिस भी साइज की आप टिक्की बनाना चाहते हैं उतना डो इसमें से लेंगे। इस तरीके से मैंने इतना डो ले लिया है और इसे इस तरीके से गोल करना है। तो ये गोल हो चुकी है, इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। चपटी चपटी टिक्की बनाऊंगी मैं यहाँ, जिसे मार्केट में मिलती है। तो ये हमारी टिक्की रेडी है, इसे एक प्लेट पे रख लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी आलू की टिक्की भी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आलू से टिक्की बनाकर तैयार कर ली है और यहाँ मेरी इस साइज में 9 टिक्कियां बनकर तैयार हुई है इतने आलूओं में। तो अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है। हमें यहाँ बहुत तेज गरम तेल नहीं लेना है क्योंकि अगर हम एकदम गरम तेल में टिक्की डालेंगे तो वो एकदम से सिक जाएगी और वो क्रिस्पीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी जो बाजार वाली टिक्की में आती है। तो मीडियम हॉट ऑयल लें
तो तेल हमारा गरम हो गया है, तो एक एक टिक्की इसमें डालेंगे। अब तो बहुत ज्यादा टिक्की एक साथ फ्राई ना करें, नहीं तो ये आपस में चिपक कर फूट सकती है। तो जितनी आराम से इसमें आ जाए सिर्फ उतनी ही टिक्की डालें। अब हम इस टाइम पे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और हम इन्हें लो टू मीडियम पर ही फ्राई करेंगे ताकि जो हमारी टिक्की है वो अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो टिक्की तरफ से हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, तो हम इसे पलट लेंगे। तो बहुत ही सावधानी से इसे पलटेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर की होने तक फ्राई करेंगे। तो टिक्की हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और बहुत ही अच्छा कलर आया इन टिक्कियों का। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ये दोनों तरफ से ही बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, तो इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी लग रही है देखने में और कितना बढ़िया कलर आया हमारी टिक्कियों का। तो अब हम बची हुई टिक्कियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारी सभी आलू की टिक्कियां बनकर तैयार हो गई हैं और ये देखने में ही बहुत ही क्रिस्पी लग रही हैं। मैं आपको इनकी एक आवाज सुनवाती हूँ। आप इसकी क्रिस्पीनेस की आवाज ऐसे ही सुन सकते हैं, कितनी क्रिस्पी बनी है ये। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार हुई है। ये टिक्किया आप आलू टिक्की बर्गर हम बनाते हैं उसमें भी आप ये टिक्किया यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक टिक्की की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, मटर स्टफ टिक्की, वो भी बहुत ही टेस्टी। तो वो रेसिपी भी बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो हमारी हलवाई जैसी क्रिस्पी टिक्की घर पर हमने बहुत ही आसान तरीके से बना ली है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ मैं आपको बाउल में एक टिक्की लगाकर दिखा देती हूँ। तो मैंने इसमें एक टिक्की रख ली है, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस पर थोड़ा सा नमक डाल लें। डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर टिक्की को चटपटा बनाने के लिए, और फिर इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा दही, तो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे हम दही। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा मीठी चटनी, ये मीठी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी। तो हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप चाहें तो इस पे मटर की चाट भी डाल सकते हैं, उबली हुई मटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पापड़ी है तो वो भी आप थोड़ी सी क्रश करके वो डाल सकते हैं इस पे।